नगरपालिका कर्मचारी संघ की मांगों पर हिलाहवाली करने से कर्मचारी हुए खफा। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में बाजारों में जुलूस निकालकर दुकानदारों से पर्चे बांटकर मांगा समर्थन। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने चेताया कि यदि सरकार फिर भी नहीं मानी तो 8 नवंबर से हरियाणा के गृह एवं निकाय मंत्री अनिल विज की कोठी का करेंगे घेराव। सरकार द्वारा लंबे समय से मांगे न माने जाने के विरोध में आज नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर कर्मचारियों ने मुख्य बाजारों में प्रदर्शन किया और अपने समर्थन में पर्चे बांटे। इस मौके पर पालिका कर्मचारियों ने नगर पालिका में कार्यरत अन्य स्टाफ से भी सहयोग करने की अपील की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पूर्व कर्मचारी संघ ने 3 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल भी की थी। नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश उप प्रधान सेवाराम ने कहा, लंबे समय से सरकार को अपनी मांगे माने जाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन बार बार वायदे करने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को टाल मटोल का रवैया अपना रही है। इससे पूर्व प्रदेश स्तरीय एक प्रतिनिधि मंडल चंडीगढ़ में निदेशक से भी बातचीत कर चुका है, लेकिन वह वार्ता भी बेनतीजा ही रही। जैसा कि आज हमारा ये प्रदर्शन का कार्यक्रम है, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा की नगर निगमों, नगर पालिका एवं परिषदों में हमारा मुख्य बाजारों से प्रदर्शन करते हुए और जो ये हम संघ की तरफ से पर्चे बांटते हुए काम करेंगे, जो हमारी 25 अप्रैल और 17 अगस्त को माननीय निकाय मंत्री जी के साथ वार्ता हुई संघ की, और उसके अंदर सभी मांगों को जायज़ बताया गया मंत्री जी के द्वारा, और जल्द ही पत्र जारी करने की उन्होंने घोषणा भी की थी, और मतलब उसके पत्र परिपत्र आज तक जारी नहीं किए, जिसके कारण ये संघ को आंदोलन करने का कदम उठाना पड़ा। जो हमारी 6 अक्टूबर को DOLP में डायरेक्टर साहब से बात हुई अमित अग्रवाल जी से, तो उसमें वही 25 अप्रैल एवं 17 अगस्त की जो वार्तालाप थी उसकी समीक्षा हुई। उन्होंने मतलब कि हमें यही बताया कि भी जो हमारा काम मांग डिमांड के पेंडिंग है वो CM साहब के टेबल पे रुका हुआ है, तो हमारे यही सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी हमारी पत्र परिपत्र है वो जारी करें। आपकी मांगे नहीं मानती सरकार, तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगर सरकार हमारी मांगे फिर भी नहीं मानती तो 28-29 तारीख को पूरे हरियाणा में भूख हड़ताल का प्रोग्राम 24 घंटे का है, और तब भी नहीं सरकार चेतती तो 8 नवंबर को पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी मिलकर स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री जी के आवास का घिराव करेंगे।